एक बार की बात है, एक गांव में एक भक्त था जिसका नाम था नीलकंठ। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। नीलकंठ रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता और भजन गाता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया और लोग परेशान हो गए। नीलकंठ ने सोचा कि अगर वह भगवान शिव से प्रार्थना करेगा तो बारिश जरूर होगी। उसने पूरे मन से तप करने का निर्णय लिया। वह कई दिनों तक बिना पानी और भोजन के तप करता रहा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक रात शिव ने नीलकंठ को दर्शन दिए और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। अगले दिन गांव में बारिश हुई और सब लोग खुश हो गए। नीलकंठ की भक्ति ने न केवल उसे बल्कि पूरे गाँव को बचा लिया। इस तरह नीलकंठ की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है।